I'm Dr. Neeru Pathak, Principal, DPS Ajmer Tabiji, and I wish a very, very happy Deepavali to all the Ajmer. Shri Kubera Collection ki taraf se sabhi Ajmer Shahar vaasiyon ko Diwali ki hardik shubhkamnaen. मैं अनुज अग्रवाल अजमेर तनिष्क शोरूम से अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष्क की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। एमबी मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। अपने ये दीपावली के त्यौहार को देखते हुए लोगों ने जो बाजार में अतिक्रमण कर रखा है, जिससे पब्लिक का आवागमन भी ज़्यादा है और जाम की बार बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बार बार फोन आ रहे थे डिग्गी चौक से, इसके तहत डिग्गी चौक से होते हुए पूरा ये पड़ाव तक का एरिया है, उसमें व्यापारियों का जो अतिक्रमण कर रखा था सामान हटाया है, कुछ को हिदायत दी, कुछ का सामान जब्त किया है सांड पुलिस एक्ट में, और आज सिंपली कार्रवाई है। अगर नहीं मानते तो कल स्ट्रिक्टली इनका सभी सामान जब्त कर लिया जाएगा। कुछ देर बाद वापस आ जाते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जब तक खुद जो व्यक्ति होता है, खुद को मतलब अपने किस मुझे नियम के तहत चलना है या मुझे किस हद तक मुझे अपना सामान रखना है, अपना सेल्फ एक डिसीजन वो क्रिएट नहीं करेगा, तब तक इस स्थिति में सुधार नहीं आएगा। आप खुद देख सकते हो कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर मार्केट में या हर गली में अपना एक व्यक्ति कर्मचारी खड़ा कर सकें। तो जब स्मार्ट सिटी की बात आती है तो मैं अजमेर शहरवासियों से बार बार निवेदन करती हूँ, स्मार्ट सिटी तभी बनेगा जब आप खुद स्मार्ट होंगे, और खुद स्मार्ट होने का मतलब है कि खुद आपके जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उसको फॉलो करें कि मुझे मेरा सामान किस हद तक रखना है, कहाँ तक मुझे अपना जो है व्हीकल खड़ा करना है, कहाँ ग्राहक आएगा, कहाँ वो खड़ा होगा, तो व्यवस्था उस दुकानदार को खुद को अपने दुकान की हद में देनी है। दुकानदार क्या करता है, 10 फीट की दुकान है, 7 फीट सामान बाहर रखता है, फिर उसके बाद ग्राहक अपना व्हीकल रखता है, तो आधा रोड है पूरा ब्लॉक हो जाता है। जब रोड ब्लॉक हो जाएगा तो पूरा जाम लगना एकदम वास्तविक ही है, स्वाभाविक है। तो मैं लोगों से और व्यापारियों से निवेदन करना चाहती हूँ, बार बार मैं निवेदन कर चुकी हूँ कि हम लोग कार्रवाई करें, हमारे डर से सामान न समेटें। आप अपने एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर खुद अपने अंदर एक जागरूक करें कि मेरा भी शहर के प्रति कुछ राइट है। अगर उनके अंदर शहर के प्रति अपना कर्तव्य अपने आप अगर जग जाएगा तो हमें बार बार इस तरह से आना नहीं पड़ेगा, और इस तरह से जो एक हम आते हैं और हमें देख के सामान भागते हैं, सामान को अंदर डालते हैं, ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुविधा उनके लिए ही है, हमारे लिए नहीं। हम तो कर्मचारी हैं, हमारे अपनी ड्यूटी करते हैं। अगर कोई ग्राहक आ रहा है तो उसकी शॉप पे आ रहा है, वो शॉप पे जब भी आएगा अच्छी तरह से खरीदारी जब भी करेगा, जब आप उसको बिल्कुल खुला खुला देंगे, आप 10 फीट तक सामान फैला के रखेंगे तो ग्राहक कहाँ तो व्हीकल खड़ी करेगा, और व्हीकल खड़ी करेगा तो नो डाउट हम ले जाएंगे तो उसको जो पहले अपना व्हीकल छुड़ाने में भागेगा तो ग्राहक ही तो ऐसे खत्म हो जाएगी। तो ग्राहक को बार बार, इसीलिए मैं दुकानदारों से निवेदन करती हूँ, त्यौहार का सीजन है, आपका त्यौहार है, अपनी हद में रहें और अच्छी तरह से मनाएं, हमको कोई सख्ती करवाने के लिए प्रेरित ना करें। धन्यवाद।